नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी डेला न्यूज। महानगर पालिका के चुनाव के पहले शहर में सोमवार राजनीति गर्मा गई, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता ज्वाला धोटे ने कांग्रेस के बड़े नेता व नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के बेटे कुणाल राउत पर मकोका अपराधी के साथ संबंध होने के गंभीर आरोप लगाए। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के कुख्यात फरार गुंडा अभिषेक सिंह, जिन पर संगठित गुनेगारी मोकोका तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल हुआ है, 2020 में जब नागपुर के पुलिस कमिश्नर श्री भूषण कुमार जी उपाध्याय साहब थे, भूषण कुमार उपाध्याय साहब के टीम ने इस गंभीर आरोपी पर, इस कुख्यात आरोपी पर मोकोका तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई जो की है, ये गए 2 साल से एब्सकॉन्डिंग है, फरार है। मगर शोक की, दुख की और खेद की बात यह है कि इस व्यक्ति के जो आपको मैंने यहाँ पे सब एविडेंस दी हूँ, सब पुरावे दी हूँ, इसमें आपको पता चलेगा कि गए 2 साल से कंटिन्यूस महाराष्ट्र के जो एनर्जी मिनिस्टर है नितिन राउत साहब, इनके साथ उनके फोटोज है और उनके बेटे के साथ जो युद्ध सेल के वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के श्री कुणाल राउत, इनके साथ यह एब्सकॉन्डिंग आरोपी अभिषेक सिंह ने थ्रू आउट इंडिया टूर मनाया है। इनके एयर टिकट्स, अभिषेक सिंह के एयर टिकट्स भी कुणाल राउत के ऑफिशियल मोबाइल से बुक हुए हुए हैं। तो ये सब गंभीर बात है। इस सब बातों की, इस सब गंभीरता की नागपुर के पालक मंत्री तथा महाराष्ट्र के एनर्जी मिनिस्टर श्री नितिन राउत साहब ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर, मंत्री पद का तो इस्तीफा देना ही चाहिए मगर अपनी आमदारकी का भी उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। अंडर आईपीसी सेक्शन 212 हार्बरिंग ऑफेंडर, यानी गुनहगार को, अपराधी को अगर तुम राजाश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, देन इट इज नॉन वेलेबल ऑफेंस। ये सब प्रकरण में जिन जिन लोगों ने उनके साथ पिछले महीने जनवरी महीने में जो पूरे इंडिया में टूर किया, पोर्ट ब्लेयर को, सूरत में, गुजरात में, राजस्थान में, अंडमान निकोबार में, तो जो जो लोग अभिषेक सिंह के साथ उस टूर में मौजूद थे, इंक्लूडिंग सन ऑफ एनर्जी मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र नितिन राउत जी के जो बेटे हैं कुणाल राउत, उनकी बहू जो है आकांक्षा राउत, इन सभी अगर वो अपना स्पष्टीकरण देते हैं कि इन पर ये अपराध दर्ज है, आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट, मुझे इसकी थोड़ी भी भनक नहीं थी, जानकारी नहीं थी, मगर ये एब्सकॉन्डिंग आरोपी को ट्रेस करने के लिए, इसको सेंट्रल जेल पास करने के लिए, कुणाल राउत को तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में लेना जरूरी है, क्योंकि 15 दिन तक क्या, 1.5 साल से वो उनके कांटेक्ट में है, यानी कुणाल राउत के मोबाइल पे उसका नंबर आपको मिलेगा, उससे आप वो एब्सकॉन्डिंग फरार आरोपी का लोकेशन ट्रेस कर सकते हो। द पर्सन हु इज एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द आईज ऑफ नागपुर पुलिस फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, उसको पकड़ने में आसानी हो जाएंगी, कुणाल राउत के मोबाइल पर उसके लोकेशन ट्रेस हो जाएंगे और नागपुर पुलिस तुरंत दबोच पकड़ेंगी वो आरोपी को। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी डेला न्यूज।